हेलो, वेलकम बैक टू चैनल टेक मस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बस, जहां हम बताते हैं आपको आपके पसंदीदा सितारों के दिल का हर हाल। किस सेलिब्रिटी की आ रही है कौन सी फिल्म, तो किसका लुक मचा रहा है बवाल, करेंगे आपको बॉलीवुड की हर लेटेस्ट न्यूज से अपडेट। तो खबर ये आ रही है कि बॉलीवुड की नमस्ते गर्ल सारा अली खान अब नमस्ते गर्ल इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें जहां भी मीडिया नजर आती है ये सबको नमस्ते विश करके ही वहां से गुजरती हैं। तो हर बार की तरह मीडिया वालों ने इनका नाम नमस्ते गर्ल रख दिया है। और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सख्त लौंडे यानी कि कार्तिक, अब सख्त लौंडे मैंने क्यों कहा ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब वापस खबर की ओर बढ़ते हैं। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने अपनी प्रेम कहानी का द एंड कर दिया है। दोनों ने अपने रिश्ते को इसलिए समाप्त कर दिया है क्योंकि वो अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि सारा और कार्तिक ने अपनी अपनी फिल्म के सेट पर एक दूसरे के साथ पास जाकर समय निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दूसरे के साथ समय बिताने में असमर्थ रहे। अब सूत्रों से जुड़े एक करीबी सूत्र ने यह भी बताया है कि भले ही उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत समझदारी और एक दूसरे से डिस्कस करके इस रिश्ते को खत्म किया है। और सारा और कार्तिक के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है, वो अभी भी अच्छे दोस्त बने हुए हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। सारा और कार्तिक को पेपराजी ने कई मौकों पर एक साथ क्लिक किया था और इससे उन्हें लगा कि वह निरंतरन मीडिया की नजरों में है। उन्हें लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ी थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया। अब भी दोनों अपनी आगामी फिल्म आजकल को लेकर एक साथ प्रमोट भी करेंगे। बाद में वे अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे। जहां कार्तिक अपनी फिल्म दोस्ताना पार्ट टू की शूटिंग शुरू करेंगे, वहीं सारा कुली नंबर वन में व्यस्त रहेंगी। कार्तिक जद है फिल्म भूल भुलैया टू में भी नजर आएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में बतौर गेस्ट आए सारा रैपिड फायर राउंड में एक सवाल के जवाब में कहा था कि कार्तिक आर्यन को डेट करना पसंद करेंगे। यहाँ सारा अपने पिता सैफ अली खान के साथ आई थी। इस दौरान डेटिंग के सवाल पर सारा ने कहा था कि कार्तिक आर्यन बहुत क्यूट लगते हैं और वो उन्हें डेट करना चाहते हैं, जिसके बाद इन दोनों का नाम सुर्खियों में छा गया। सारा और कार्तिक के फैंस के लिए ये खबर वाकई में निराश करने वाली है, पर कल किसने देखा है, यहाँ हजारों जोड़ियां बनती हैं और बिखरती हैं। कोई दो हमेशा के लिए दो जिस्म जान से एक रूह बन जाते हैं, तो कोई दो साल में ही अलग हो जाया करते हैं। सारा और कार्तिक की किस्मत का तारा किसके साथ चमकने वाला है ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कैसी लगती है आपको इनकी जोड़ी और कौन बन सकता है इनका परफेक्ट मैच। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और अब आप बॉलीवुड की अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो आज ही लाइक करें चैनल टेक मस्ती के फेसबुक पेज को। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, hit the bell button and get the notification.